नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दमोह का अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, ग्राम पंचायत में काम करने वाले कोटवार और सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी अपडेट है। लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी हो रहे हैं और इधर चुनाव में ड्यूटी लगाई जा रही है। हालांकि दोस्तों 30 अप्रैल तक अतिथि शिक्षकों को यूज किया जा सकता है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कोटवारों के लिए भी अपडेट है और दमोह दिनांक 11/4/2024 में ये ज्ञापन निकला था। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विधानसभा क्षेत्र चौवन, पथरिया 55, दमोह 56, जवेरा 57 और हटा समस्त जिला दमोह, जिला शिक्षा अधिकारी जिला दमोह। लोकसभा निर्वाचन 2024 में कोटवार व अतिथि शिक्षकों के प्रशिक्षण की सूचना के संबंध में इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आपको काम कैसा करना है। और भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 464 मध्य प्रदेश लोकसभा 2024 SPO दिनांक 28/3/2024 का ऑफिशियल अपडेट। कृपया उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए आयोग के द्वारा अतिथि शिक्षकों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके परिपालन में जिले की चारों विधानसभाओं में आवश्यकता अनुसार कोटवार व अतिथि शिक्षकों को विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। संलग्न सूची अनुसार कोटवार व अतिथि शिक्षक वर्ग 2, वर्ग 3 का विशेष पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों का प्रशिक्षण दिनांक 13/4/2024 को मॉडल कॉलेज बरपटी में 3 पारियों में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आयोजित किया गया है, जिसमें संलग्न सूची के अनुसार कोटवार व अतिथि शिक्षक अपने अपने एपिक कार्ड एवं वोटर आईडी के साथ लेकर प्रशिक्षण स्थल पर अनिवार्यता उपस्थित होने की सूचना देकर प्रशिक्षण उपस्थिति होने के लिए निर्देशित करें। संलग्न उपरोक्त अनुसार द्वितीय एवं तृतीय पारी की सूचियां मीना मसरम अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी। दोस्तों, कल इनका प्रशिक्षण था और कौन कौन प्रशिक्षण में गए थे उसको लेकर आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। पुलिस अधीक्षक दमोह की ओर से सूचना एवं प्रशिक्षण स्थल व ट्रेनिंग में शामिल होने हेतु अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित करने हेतु सूचना नोडल अधिकारी डाक मत पत्र की ओर भेजकर लेख है कि दिनांक 13/4/2024 को मॉडल कॉलेज बरपटी में आयोजित कोटवार व अतिथि शिक्षकों के प्रशिक्षण में सभी को EDS जारी करना सुनिश्चित करें। और श्री मुकेश द्विवेदी नोडल अधिकारी प्रशिक्षण की ओर भेजकर लेख है कि संबंधियों को प्रशिक्षण दिलाकर सभी की उपस्थिति लेकर प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित करें, अपर कलेक्टर एवं जिला उप जिला निर्वाचन अधिकारी दमोह। तो ये अपडेट है दोस्तों। और अभी लोक शिक्षण संचालनालय ने एक आदेश जारी किया था कि 30 अप्रैल को सेवाएं समाप्त हो रही हैं, अतिथि शिक्षकों को 30 अप्रैल तक उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं, लेकिन इसके बाद में उनको लोकसभा निर्वाचन में ना लगाया जाए। भाइयों, तो मैं मांग करना चाहता हूं लोक शिक्षण संचालनालय को एक महीने की और कम से कम जिनकी ड्यूटी लगी है उनके लिए आदेश जारी करना चाहिए, सेवाएं बढ़ाना चाहिए उनकी। और मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों की मांग तो यही है कि हमारी सेवाएं निरंतर चलती रहें। बाकी फिर आऊंगा दोस्तों। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।